watching Exposed India. नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। ग्रेटर नोएडा एनसीईआरटी की किट्स की ई ट्रेंडिंग को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नियमों को ताक पर रखकर एनसीईआरटी किट्स की ई ट्रेडिंग एनसीईआरटी के डायरेक्टर और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से गुजरात की कुछ निजी कंपनियों को दी गई है। जिन कंपनियों को एनसीईआरटी किट्स का टेंडर दिया गया है, वह कंपनियां ई टेंडर के लिए एलिजिबल ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारियों की मिलीभगत से ई टेंडर गुजरात की चार कंपनियों को दे दिया गया। इन कंपनियों को एनसीईआरटी के काम का कोई तजुर्बा तक नहीं है। ये सभी कंपनियां फर्नीचर का काम करती हैं। जिन कंपनियों को टेंडर दिए गए हैं, उनके नाम है टाइटल डिस्प्ले सिस्टम निर्माण, मल्टी आर्ट, MIT एंटरप्राइजेस और सुजाको इंटीरियर्स। ये सभी कंपनियां गुजरात के अहमदाबाद की हैं। इस मामले में एलिजिबल कंपनियों द्वारा HRD मिनिस्ट्री, PMO, CBI सहित कई जगहों शिकायत की गई, लेकिन इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि खानापूर्ति के लिए इस पूरे मामले पर विजिलेंस की जांच चल रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ नहीं किया गया है। चार फर्में जी, परिवार एक है और उसी की चार फर्में हैं। एक है उसमें मित एंटरप्राइजेस, एक है सुजाको, एक है निर्माण मल्टीनेशनल और चौथी जो कंसर्न है इनकी वो टाइटल डिस्प्ले। इन चारों का पूरा रोल है और चारों की ही पूरी साठगांठ है, क्योंकि इनका ग्रुप बना हुआ है, उसके व्याप पे ये लोग काम कर रहे हैं। जब पहली बार टेंडर हुआ था 2012 से 2016 चला था, उसमें इनकी एक फर्म थी निर्माण के नाम से और उस सिर्फ एक वही अकेली फर्म थी जिसकी 10 की 10 किटें थी। और एट प्रेजेंट जो हैं, जो चार फर्में हैं इनकी, उन चारों की 16-16 किटें हैं। सिर्फ उन्हीं चार की 16-16 हैं, बाकी किसी की भी 16 नहीं। इससे सारी पिक्चर क्लियर होती है। उनके ऊपर किसी बड़े आदमी का हाथ है और डिपार्टमेंट उनके दिल से साथ है। मैं सिर्फ ये कार्रवाई चाहती हूँ कि अब तक जो होता आ रहा है एनसीईआरटी में, इतना बड़ा स्कैम, हम उसके लिए जो हमने आवाज़ उठाई हुई है उसमें हम एक फेयर चाहते हैं कि एक फेयर कार्रवाई हो और हमें सब जो हमें उसकी वो मिले, कानूनन हमें उसका साथ मिले। हमने इतनी लंबी लड़ाई छेड़ी हुई है, इतने साल हो गए हमें लड़ते हुए, उसके लिए हमने जिन कंपनियों को जो कार्रवाई नहीं, जिनको हिस्सा नहीं मिलना चाहिए था, आज वो वहाँ बैठी हुई हैं और काम कर रही हैं। और हम जिन कंपनियों ने सारी कार्रवाई पूरी करके ऑनलाइन सारे पेपर्स अपलोड करे, इतनी मेहनत करी, रात रात जग के सारी मेहनत करी, और फिर हम वो सारी कंपनियां बाहर बैठी हुई हैं। अंबाला जो एक साइंस हब है, वो सारी कंपनियां आज सारे कारोबार को बंद करके बैठी हुई हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके साथ फेयर नहीं हो रहा। मैं 2012 से लेकर 2016 तक एम्पैनल था एनसीईआरटी में। उसके बाद एक उन्होंने नया टेंडर फ्लोट किया 2016 में, वो टेंडर ई टेंडर ना होने की वजह से खुद ही कैंसिल करना पड़ा। फिर उन्होंने टेंडर दोबारा लॉन्च किया दिसंबर में, जिसमें चार फर्म जो गुजरात की थी उनकी डायरेक्टर साहब के साथ कुछ सांठगांठ है और डिवीजन ऑफ एजुकेशन किट्स की जो ये डिपार्टमेंट है, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट उन्हीं के इशारों पे काम करता है। उन्हीं के इशारों पे डिसाइड करा जाता है कि किस पार्टी को रखा जाएगा, किसको कितनी किट जाएंगी। आज की डेट में पूरी की पूरी एनसीईआरटी जो है वो उनकी मलकियत बनी हुई है, जो डिवीजन ऑफ एजुकेशन किट्स है। इसके लिए हमने हर जगह कंप्लेंट करी, हम PMO जावड़ेकर साहब, उससे पहले स्मृति ईरानी जी थी और उपेंद्र कुशवाहा जी, CVC, CBI, जहाँ जहाँ कंप्लेंट कर सकते हो, ऑलमोस्ट हमने 100 से 200 जगह कंप्लेंट करी हुई है। और कहीं से भी कोई एक्शन अगर इनिशिएट होता भी है तो डायरेक्टर साहब के ऑफिस से दबा दिया जाता है। और हमें आज तक समझ में नहीं आ रहा कि हर कंप्लेंट उठती है और उठ के वो कहाँ चली जाती है, वो किस कालीन नीचे दबा दी जाती है, हमें नहीं मालूम। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एक्सपोज इंडिया के साथ, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।